हेलो माय फ्रेंड्स, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं और सिर्फ यही देख के लैपटॉप ले रहे हैं तो रुक जाइए। जी हाँ, रुक जाइए, सिर्फ यही देख के लैपटॉप ना लें कि रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितना है, प्रोसेस कौन सा है, या विंडो 10 है नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको मैं चीज़ बताऊंगा कि लैपटॉप लेने से पहले क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका बजट 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये, तो बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका बजट 20,000 रुपये है तो ये लैपटॉप बेस्ट है। और ये बेस्ट क्यों है और लैपटॉप लेने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको इन शॉर्ट मैं अभी बता देता हूँ। क्या सबसे पहले देखना होता है, सेल कितना है, बैटरी सेल। सेकंड चीज देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस है। ब्रांड पे मत जाइए, प्रोसेस पे जाइए। ब्रांड इंटेल हो, एएमडी हो, डजंट के प्रोसेस मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि उस पे आता है नंबर ऑफ कोर्स कितने होंगे। अगर आप फोन या गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें 8 8 कोर होते हैं लैपटॉप के अंदर। और उसके आता है कि कैशे कितना है। अगर 2 MB है, 3 MB है और यहाँ पे 6 MB है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसके अंदर 6 MB कैशे है तो वो बहुत बढ़िया है। आप देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अगर आपके पास में L2 कैशे है 3 MB का और एक 6 MB, कौन सा बेटर है। आप बोलोगे 6 MB वाला ही बेटर है। क्यों? ऐसा नहीं है, इसके अंदर 3 MB वाला कैशे होता है बेटर, क्योंकि हमारे पास 3 कैशे होते हैं, L1, L2, L3। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप में क्या क्या चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है लैपटॉप लेने से पहले। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ गजेंद्र सिंह, मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेस्ट लैपटॉप यू शुड बाय अंडर 20,000 रुपीज। अगर आपका बजट 20,000 रुपये है तो उसके अंदर आप कौन सा लैपटॉप ले सकते हो जो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करके देगा। तो मैंने खूब सारे लैपटॉप्स देखे, अराउंड 100 लैपटॉप्स मैंने देखे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी वेबसाइट्स के ऊपर। उसमें से मैंने कुछ लैपटॉप शॉर्टलिस्ट किए हैं और आज हम देखेंगे कि अगर आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रैम और साइज नहीं देखनी होती। अब हम देखते हैं, जैसे कि एक लैपटॉप है एचपी का S15 ड्यूल कोर। मेरे जितने भी लैपटॉप अभी मैंने देखे हैं तो सब में आपको 4 GB रैम मिलेगी और 1 TB आप SSD ले सकते हैं या SSD भी ले सकते हैं, दोनों ही है। और विंडोज 10 हर किसी में मिल रही है। अगर विंडोज 10 नहीं भी मिल रही है तो इंटरनेट से विंडोज 10 आराम से मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। खूब सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको विंडो क्रैक करके देते हैं। ओरिजिनल विंडो लेने का कोई फायदा नहीं है, बट आजकल के लैपटॉप सब ओरिजिनल विंडो दे रहे हैं। अब हमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो देखनी चाहिए एक लैपटॉप के अंदर, सबसे स्टार्टिंग देखनी चाहिए आपको क्लॉक स्पीड। अगर आपकी जो विंडो 10 है उसको मिनिमम क्लॉक स्पीड कितनी चाहिए, उसको मिनिमम क्लॉक स्पीड चाहिए 1.1 GHz। विंडो 10 को मिनिमम स्पीड चाहिए 1.1 GHz टू रन स्मूथली। अब ये जो मेरा IHP का लैपटॉप है, इसके अंदर AMD का ड्यूल कोर प्रोसेस है जो 1.2 GHz मिनिमम दे रहा है। अगर आपने बूस्ट यूज किया है तो 2.6 GHz आपको स्पीड देगा। इसका मतलब ये है कि ये लैपटॉप विंडो 10 में आराम से रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चीज देखी जाती है कैशे। अब यहाँ पे ये जो 5 MB लिखा है कैशे, ये क्या चीज है। जैसे मैं दूसरा लैपटॉप देखता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे लिखा है 2 MB ये कैशे। भाई हम नेचुरल आदमी सोचता है कि भाई 2 MB है और यहाँ पे है 5 MB, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। बट दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। खूब सारे आर्टिकल्स मैंने इंटरनेट पे देखे हैं जो ये दिखाते हैं कि कौन सा कैशे बेस्ट होता है। अगर देखो, ये क्वेश्चन ही इतना अच्छा स्मूथली क्वेश्चन लिखा है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए 3 MB L2 कैशे एंड ए 6 MB L2 कैशे। सीधी साधी बात है, आम इंसान ये सोचता है कि 6 MB का होगा L2 कैशे तो बेटर होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लैपटॉप के अंदर 3 टाइप के लेवल ऑफ कैशे होते हैं। एक होता है आपका L1, एक होता है L2 और एक होता है L3। L1 जो होता है आपका सीधा जो भी आप प्रोसेसर यूज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इसका उठाता हूँ, इसके अंदर इंटेल का यूज हो रहा है आप प्लेटिनम गोल्ड प्रोसेसर, तो L1 जो होता है कैशे वहां बैठता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका L2 जो है कैशे वो 3 MB तक है तो आपकी अच्छी बात है। अगर 3 MB से बहुत ऊपर है तो आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है L2। अगर आप बहुत अच्छे से रीड इस आर्टिकल को देखोगे तो खूब सारे आप आर्टिकल देखोगे, आराम से आपको लग जाएगा पता कि इसका मतलब ये नहीं होता है, जिसमें कैशे ज्यादा है वो ही लेना है लैपटॉप। अब हम अगली बात होती है कि भाई और क्या देखना है आपको चाहिए। अब देखना देखना कि रैम कितनी साइज है। जितनी ज्यादा रैम उतना बढ़िया लैपटॉप, पर 20,000 के अंदर आपको 4 GB रैम से ऊपर कोई भी कंपनी नहीं देगी, चाहे HP हो, चाहे एसर हो, चाहे लेनेवो हो, चाहे डेल हो, कोई भी आपको 4 GB से नहीं देगा। अब जितने भी हैं, हर कोई आपको DDR4 की रैम दे रहा है जो अच्छी रैम मानी जाती है। अब हर एक लैपटॉप आपको 20,000 के अंदर 4 GB रैम दे रहा है, जैसे ये एसर का दे रहा है, ये लेनेवो का है, ये भी 4 GB दे रहा है। ये हल्का सा महंगा है, 27,000 का। इसको भी मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों ले और क्यों ना ले। अगर मैं i3 के अंदर जाता हूँ तो ये भी 4 GB रैम दे रहा है और सब DDR4 दे रहे हैं आपको। तो रैम के अंदर सब इक्वल ही लैपटॉप है, तो इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दें, 4 GB हर कोई देगा।
अब बात आती है स्टोरेज की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए। मेरे हिसाब से 1 TB स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब 1000 GB। बट आपको लगता है कि यार इतना जीबी तो मेरे यूज में ही नहीं आएगा, मुझे वो चाहिए फास्ट स्टोरेज। तो उसके अंदर आता है आपका कंसेप्ट SSD का। तो SSD वाला कहाँ गया लैपटॉप मेरा, ये रहा SSD, ये दे रहा है 256 GB SSD। SSD होता क्या है, SSD एक नया फॉर्म का स्टोरेज है। ये देखो कहाँ इसका, ये SSD है, ये SSD आपका नया फॉर्म का स्टोरेज है जो आपको फास्ट स्टोरेज देता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जहाँ पे आपके हार्ड डिस्क में आप कुछ भी डेटा इंसर्ट हो रहा है या डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी स्पीड को ये दुगुना तिगुना कर देता है। SSD बहुत ज्यादा फास्ट होता है ये HSD के कंपैरिजन के ऊपर। इसमें भी DDR4 है, ये रैम है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आपको स्लो स्पीड भी मिल रही है डेटा ट्रांसफर के अंदर, मतलब आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के अंदर मूवी दे रहे हो या कोई गेम दे रहे हो या कोई फाइल दे रहे हो, वो जो स्पीड है वो आपको कितनी चाहिए उस पे स्टोरेज है। तो आप ये आपके ऊपर बिल्कुल ही डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का स्टोरेज चाहिए। 256 भी बहुत ज्यादा होता है, 1 TB भी बहुत ज्यादा होता है। अब आगे बात आपको कौन सी चीज देखनी चाहिए। अब आपको देखना चाहिए कि ग्राफिक कार्ड हल्का बहुत सबके अंदर होता है। अब आप कोई भी उठा रहे, सबके अंदर इंटेल का होगा या AMD का कुछ ना कुछ ग्राफिक कार्ड होगा। अब आप ये बोल सकते हो कि यार मैं तो गेम नहीं खेलता तो मुझे ग्राफिक कार्ड की क्या आवश्यकता है। ग्राफिक कार्ड का मतलब सिर्फ गेम ही नहीं होता, ग्राफिक कार्ड का मतलब होता है कि आपका जो डिस्प्ले है या आप कोई भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो उस एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं ग्राफिक कार्ड का यूज होता है। तो आप कोई भी उठाओगे तो सबके अंदर ग्राफिक कार्ड मिलेगा। जैसे वहां हमने देखा था इंटेल का था, यहाँ इंटेल का HD 620 है और यहाँ पे है 600 600। इससे ये पता लगता है कि ये नया सीरीज का है ग्राफिक कार्ड। अगर हम इसके अंदर देखें लेनोवो के अंदर, तो इसमें शायद AMD का मिलेगा ग्राफिक कार्ड मुझे। ये देखो यहाँ पे ये AMD का मुझे मिलेगा। तो ये लोअर लेवल के ग्राफिक कार्ड होते हैं जो आपके किसी भी एप्लीकेशन को जो थोड़ा बहुत भी ग्राफिक्स लेती है उसके अंदर ये काम आ जाते हैं। आप हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं, ग्राफिक कार्ड आपको मिलता ही मिलता है। अब अगली आती बात कि भाई क्लॉक स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखो अगर आप इंटेल का कुछ भी ले रहे हो, i3 वगैरह i5 ले रहे हो, तो उसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो 2.6 से अबव ही मिलेगी आपको। अब जैसे ये मैंने देखा है तो इसमें AMD का प्रोसेस यूज हुआ है जो मुझे क्लॉक स्पीड दे रहा है 2.6 GHz। ठीक है, अब ये 2.6 GHz मुझे दे रहा है AMD का है प्रोसेस। अगर मैं इंटेल के ये एसस का नहीं, इंटेल का प्लेटिनम था ना, हाँ, अगर मैं i3 की बात करता हूँ, देखो ये i3 है, ये मुझे दे रहा है 2.6 GHz। मतलब इसका जो एवरेज स्पीड रहेगा, क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना बहुत अच्छा रहेगा। i3 का लैपटॉप है ये, इस लैपटॉप की कीमत है 30,000 रुपये और ये मुझे स्पीड दे रहा है, कितनी स्पीड दे रहा है, ये दे रहा है 2.6 GHz। यहीं पे ये लेनोवो का लैपटॉप है, ये 3,000 सस्ता है उससे, वो 30,000 का थे, 27,000 कुछ रुपए का है। बट इसकी स्पीड देख रहे हो 2.6 से तो स्टार्ट होता है भैया, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है इंटेल के i3 से। ये मतलब नहीं, i3 है तो बेस्ट है, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स मार्केट में है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब इसमें अगर आप Windows 10 यूज आप कर रहे हो तो मिनिमम 1.1 GHz चाहिए, ये 2.6 से बहुत ज्यादा, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इसमें भी अगर मैं ये लैपटॉप देखता हूँ एसस का, इसकी कीमत है 21,000 रुपये और ये भी मुझे 1.1 GHz, देखो इसने 1.1 GHz दिए, मतलब आराम से आपका Windows 10 के जितने भी काम है वो आराम से हो जाएंगे और ये 2.8 तक जा सकता है, मतलब ये इनफ है। तो आप कोई भी लैपटॉप देख रहे हैं ये आप देख लेना, क्लॉक स्पीड आपकी इतनी कम से कम होनी चाहिए, जितनी ज्यादा स्पीड उतना बढ़िया लैपटॉप। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। आप वीडियो के लास्ट तक आपको देखो, अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, अगर आप 20,000 रुपये 22,000 रुपये 25,000 रुपये लैपटॉप पे लगा रहे हो तो ये वीडियो प्लीज प्लीज लास्ट तक देखना। इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ उस लैपटॉप को। आपको थोड़ा वीडियो बोरिंग लगेगा बट इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो आप वीडियो के लास्ट में जाओ और आपको मैं ये बताऊंगा कौन सा लैपटॉप लेना है। अब इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों लेना है। ठीक है, अब ये होगी बात। अब आता है कोर की, कितने कोर होंगे। मतलब अगर आपने एक जगह कुछ और, मतलब अगर आप इंटरनेट देख रहे हो, दूसरी साइड आपका जो भी कुछ म्यूजिक प्ले हो रहा है, तीसरी साइड आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, मतलब आपने खूब सारे टैब खोल के रखे हैं, तो कितने कोर चाहिए। तो जितने ज्यादा कोर उतना अच्छा लैपटॉप। अब इंटेल के जितने i3 वगैरह आ रहे हैं उसमें 2 कोर दे रहे हैं, बट हम प्लेटिनम का देखते हैं तो इसमें भी 2 कोर है। एक मैंने देखा था इसमें 4 कोर थे, 4 कोर वाला क्या होगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, चलो मुझे वो दिख नहीं रहा, उसको हटा देगा लिस्ट से, शायद उसका स्पीड स्लो होगा। ठीक है, तो जिसमें 2 कोर है वो भी बहुत अच्छा है ये, पर ये देख लेना कोर जिसमें बहुत ज्यादा हो वो उतना फास्ट होता है। आजकल के जो फोन आ रहे हैं गेमिंग मोबाइल जिनकी कीमत 50,000 70,000 1 लाख रुपए तक होते हैं, उसमें 8 कोर होते हैं, 8 कोर प्रोसेस होता है उसमें, एकदम मक्खन की तरह वो प्रोसेस चलता है।
बट लैपटॉप अगर आप ले रहे हो और आपका लिमिटेड बजट है तो 2 कोर के अंदर आपका सारे काम आराम से हो जाएंगे। i3 भी 2 कोर ही देता है। अगर मैं ये इंटेल i3 देखता हूँ जो 7th जनरेशन है, ये भी मुझे 2 कोर ही दे रहा है। ठीक है, अब आता है आरपीएफ की रैम के अंदर कितने साइकिल्स होंगे। इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दें तो ये भी अब इग्नोर हो सकता है। मैक्सिमम इतना ही देते हैं, कुछ कुछ थोड़ा इससे ऊपर दे देते हैं। देखो मैं 3-4 देख रहा हूँ तो सबकी आरपीएफ इतनी ही आ रही है। जो बहुत महंगे गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनका आरपीएम बहुत ज्यादा होता है। अब आती है बात कि भैया हमने ये देख लिया, रैम देख लिया, स्टोरेज देख लिया, स्पीड देख लिया, अब आती है बात बैटरी की। बैटरी बैकअप हम लैपटॉप क्यों लेते हैं? क्योंकि लैपटॉप स्मॉल इन साइज होता है, इधर से उधर आप ले जा सकते हो। प्लस इसका अंदर एक बैटरी होती है, जैसे फोन के अंदर जितनी ज्यादा होती है बैटरी उतना लंबा चलता है, तो ऐसे लैपटॉप के अंदर हमारे आते हैं बैटरी सेल्स होते हैं। तो अब आपको देखना, कोई भी आप लैपटॉप देख रहे हो उसके अंदर बैटरी सेल्स कितने, जितने ज्यादा सेल होंगे उतना उसका बैटरी बैकअप होगा। जैसे 4 सेल है तो यहाँ पे लिखा है कि 7 घंटे, तो आप मान सकते हो कि 6 घंटे आराम से निकाल लेगा हल्के फुल्के काम में। जितना ज्यादा काम करोगे उतना जल्दी बैटरी ड्रेन होगी। जैसे इसके अंदर मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है 3 सेल, ये लैपटॉप जो है एसस का, इसके अंदर 3 सेल है। और ये लैपटॉप जो एसर का है इसके अंदर है कितने, 4 सेल। ये मतलब इससे अच्छा है, अगर मैं एक i3 वाला प्रोसेस कहाँ गया। हाँ, ये जैसे एसस का वीवो देखता हूँ जिसकी कीमत है 26,000, इसके अंदर 2 सेल है। और वो i3 वाला कहाँ गया, प्रोसेस वाला जो, हाँ ये जो 31,000 जो 30,000 का है, इसके अंदर 3 सेल है। तो ये भी आपको देखना है कि भाई आपको हर चीज लेनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जिसकी बैटरी ज्यादा वो ज्यादा, देखो हर किसी का यूज अलग अलग होता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या ऐसे कोई एम्प्लॉय हो जो मैक्सिमम टाइम इधर उधर ट्रैवलिंग ही होता रहता है, तो उनके लिए वो लैपटॉप लेना है जिसका बैटरी सेल ज्यादा हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप एक रूम के अंदर रहते हो और इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, तो आप बैटरी सेल पे बहुत ध्यान ना दें। तो 2 सेल 3 सेल भी बहुत ज्यादा ही होते हैं, जो आराम से आपके 3-4 घंटे निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से आधे एक घंटे में आ जाती है अगर आप हैवी यूज ना हो करो तो। अगर हैवी यूज किया तो भाई बैटरी सेल कितना भी हो, एक आधे घंटे के अंदर अंदर ड्रेन हो जाती है बैटरी। बैटरी की बात हो गई, रैम की बात हो गई, स्टोरेज की हो गई बात, क्लॉक स्पीड की हो गई बात, अब आती है बात डिस्प्ले की, कितना अच्छा डिस्प्ले आपको दिखेगा। अभी जितने भी लैपटॉप दे रहे हैं सब आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन, ये जो स्क्रीन रिजोल्यूशन लिखा है ये 1080p है, ये HD है, 1080p है ये। और ये मैं देखता हूँ इसका कितना है, इसका भी यही है 1080p या थोड़ा सा ऊपर ही बोल सकते, पर इतना ठीक है। अब आता है बात कि भाई स्पीकर है कौन सा, आवाज उसके अंदर आवाज आएगी कैसी। अब आप देखो कि जो मैक्सिमम लैपटॉप होते हैं वो हल्का फुल्का लगा के रखते हैं, जैसे ये स्पीकर है, इसके अंदर ऑडियो बाय ACE पावर सोनिक मास्टर, ये कोई हल्का मतलब कोई लोकल ब्रांड बोल सकते हो, ये बहुत अच्छा नहीं है। लैपटॉप के अंदर आप अगर स्पीकर वगैरह देख रहे हो तो जहाँ ये लिखा रहता है ड्यूल बाय ऑडियो, इसका मतलब ये ब्रांडेड स्पीकर है, इसके अंदर लगाया गया है, और जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी और दूर तक और क्लियर आवाज आएगी अगर ड्यूल बाय ऑडियो अगर आपके स्पीकर के अंदर दिख जाता है तो। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ इसने कौन सा लगा रखा है स्पीकर, इसने यही लगा रखा है ACE पावर सोनिक मास्टर। तो स्टूडेंट हो तो आप स्पीकर पे इग्नोर मार सकते हो, मतलब आवाज तो आएगी, अच्छी आवाज आएगी, पर अगर ड्यूल बाय होता है तो एक बहुत अच्छी आवाज आएगी। बस मेरा बोलने का मतलब यही है। अब आता है कि भाई वायरलेस लेना, अगर आपने फोन से हॉटस्पॉट किया किया है कनेक्ट तो होगा, नहीं हो कनेक्ट क्या उसकी रेंज रहेगी, उसके अंदर ब्लूटूथ का वर्जन कौन सा है। तो आपका ब्लूटूथ का वर्जन अगर 4 से ज्यादा है तो आपका कोई भी ब्लूटूथ से आराम से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, तो इसका मतलब इसका जो ब्लूटूथ का रेंज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो मिनिमम ब्लूटूथ की रेंज इतनी आपकी होनी चाहिए। और वायरलेस लैन, ये जो 10802.11 ये लिखा है, ये वायरलेस लैन का जो सिग्निफिकेंस नंबर होता है ये होता है। इसको मैं गूगल में करता हूँ तो ये वायरलेस लैन खोल के देता है। ये देखो ये एक स्टैंडर्ड है जो इसके ऊपर आपका वायरलेस पोर्ट काम करता है, जितने भी आपके वायरलेस पोर्ट है सब इसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। और ब्लूटूथ का होता है 10808 होता है क्या ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ का क्या होता है, हाँ 802 होता है ब्लूटूथ का, 802. नहीं, बट ब्लूटूथ का कोई कौन होता है नंबर होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा। चलो वो छोड़ो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं यार ऐसे कैसे बताना सब कुछ है। हाँ तो ये रहा ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 802.15, तो जिसमें अगर ब्लूटूथ वर्जन 4 से ज्यादा है तो आराम से आपका कोई भी ब्लूटूथ है डिवाइस उससे आपका कनेक्ट हो जाएगा। आजकल जैसे ईयरफोन आ रहे हैं ब्लूटूथ ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन, तो वो ईयरफोन आपके आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। अब वेट की बात, भाई वेट जितना कम उतना बढ़िया। आप लैपटॉप ले रहे हो, कोई
वेट वाली मशीन नहीं ले रहे हो। लैपटॉप मतलब लाइट वेट, इट्स नॉट लाइक कि आप 50 kg का कोई वेट उठा रहे हो या कुछ भी आप उठा रहे हो, तो जितना हल्का वेट उतना बढ़िया लैपटॉप। तो जैसे यहाँ पे मैं लैपटॉप देखता हूँ, इसका 1.85 kg है, इसका 1.9 है, तो इसका मतलब ये होगा लैपटॉप अच्छा है। इससे एसस का देखते हैं तो इसका वेट कहाँ गया, इसका 1.9 kg, मतलब लगभग 2 kg ही इनका वेट है। कहाँ गया इसका 1.9। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो जिसके अंदर खूब सारे फीचर्स हैं, जिसकी कीमत 60,000 रुपये है, 70,000 रुपये, उसका वेट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। उसका वेट 3 किलो तक आराम से पहुंच जाता है। मेरे पास एक लैपटॉप रखा है जिसका वेट 3 पॉइंट कुछ kg है। डिस्प्ले देखा जाए, अब आता है रिजोल्यूशन, तो सब इतना ही 15.6 इंचेस देते हैं जो स्टैंडर्ड एक होता है मेरा डिस्प्ले। अब आता है कि वेबकैम कैसे रहेगा। अगर आप अगर आजकल जैसे जूम वगैरह यूज होने लग गया है लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग, तो उसके अंदर कैमरा कहाँ रहेगा। अगर आपका वीजीए रखा है कैमरा, तो इसका मतलब हल्की बहुत क्वालिटी वाला कैमरा है। अगर आपका कैमरे के आगे एचडी कैमरा लिखा है, कहाँ गया एचडी कैमरा, जैसे ये है, इस पे लिखा है 1.03 MP वेबकैम, इसका मतलब कि ये जो वीजीए है कैमरा, ये थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा बेकार है, थोड़ा सा कम है मेगापिक्सल के आराम से। मतलब ये जो लैपटॉप है, इसका जो वेबकैम है ये अच्छा है, ये जो वीजीए जो लिखा रहता है वो कैमरा, उसके मुकाबले। जैसे इस लैपटॉप की कीमत है 27,000 रुपये, और ये जो वीजीए वाला लिखा है कैमरा, इसकी नहीं, ये थोड़ा कम है। जैसे ये वाला कैमरा है, इसकी लिखी है अब 25,000 रुपये, मतलब 900 लगा दो उतना कुछ वो मिल जाएगा, ऑनलाइन डिस्काउंट इतना पड़ेगा। तो ये इसका हो गया कैमरा। अब 1 साल की वारंटी हर कोई दे रहा है, फिजिकल डैमेज वारंटी कोई नहीं देता है। कुछ कंपनियां नाम मात्र जो भी फिजिकल डैमेज देती हैं, फिजिकल मतलब जैसे लैपटॉप हाथ से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, या कुछ हिंज टूट गया, लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो होता है फिजिकल डैमेज। तो कोई भी लैपटॉप फिजिकल डैमेज नहीं देता है। लैपटॉप मतलब आप उसको ध्यान से रखना होगा, फिजिकल डैमेज नहीं देते हैं। देखो यहाँ लिखा है नॉट कवर्ड इन वारंटी फिजिकल डैमेज, ये फिजिकल डैमेज। अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी ये होता है कि आपने लैपटॉप लेके आए, कोई जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, या ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, या कुछ और नहीं कर रहा, तो किसी भी लैपटॉप के अंदर मैन्युफैक्चर वारंटी नहीं निकालते। क्योंकि यार इतना बिग ब्रांड है, लेनोवो, एसस, लैपटॉप, एचपी, डेल, इतने बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, और हजारों लाखों लैपटॉप निकालते हैं, तो मैन्युफैक्चर वारंटी नहीं आती है। अब हमने इस वीडियो के अंदर हर चीज़ देख ली है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना है, कौन सा मैं लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। अब भैया देखो, सब कुछ मैंने बता दिया, अब हम देखते हैं कौन सा लैपटॉप आपको लेना है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको ये इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि मैं कौन सा लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक का है, तो यार थोड़ा सा रुपए और उसमें जोड़ लो, 3-4 हज़ार रुपये और जोड़ लो, क्योंकि जो आप लैपटॉप लोगे वो लैपटॉप आपका आज का नहीं, अगले 3-4 साल तक वो लैपटॉप आपके काम में आने वाला है। तो मैं कौन सा आपको लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ, मैंने खूब सारे लैपटॉप देखे हैं, लगभग 100 लैपटॉप मैं देख चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर। तो इनमें से मैं कौन सा लैपटॉप आपको रिकमेंड करता हूँ जो आपको लेना चाहिए, तो इन सब का ड्यूल कोर वगैरह सब देख के, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हुआ, कौन सा लैपटॉप मैं ले रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक लैपटॉप रखा है, मुझे एक और लैपटॉप की भी आवश्यकता है, और एचपी एचपी देखो, अगर आपको थोड़ा सा ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए जो आप लोगों, तो एचपी आप ले सकते हो, ये लैपटॉप आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, और इसका लाइट वेट भी है, 1.76 kg है। तो ये आप लैपटॉप, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ये लैपटॉप माई रिकमेंडेड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ब्रांड। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मैं कौन सा लैपटॉप ले रहा हूँ, तो जो दूसरे लैपटॉप है जो मैं लेने जा रहा हूँ, मैं इसको, इस लैपटॉप को आज ही ऑर्डर करने वाला हूँ, इसको अभी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, ये लैपटॉप मुझे ठीक लगा, इसके अंदर जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें सारी हैं। और तीसरा लैपटॉप जो आप 20 सी रेंज में ले सकते हो, ये थोड़ा सा सस्ता है। इन दोनों लैपटॉप में कुछ अंतर नहीं है, नाम मात्र का अंतर है, बट मुझे थोड़ा दिखा कि ये थोड़ा सा फास्ट है, लेटिन मतलब कह सकते हो ना, चुन्नी वर्ग का थोड़ा सा फास्ट है, तो मुझे लैपटॉप लगा, मतलब 2,000 का अंतर है। अगर आपको थोड़ा सा 2,000 का अंतर आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, आपके पास लिमिटेड ही बजट है, 20,000 रुपये ही है आपके पास, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं है, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। HDFC का ऑफर मिल जाएगा 1,000 रुपये का, तो आपको 20,000 रुपये में आराम से लैपटॉप आ जाएगा, तो ये 3-4 साल आराम से खींच देगा। तो
ये लैपटॉप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये लैपटॉप अगर आप i3 के अंदर देख रहे हो, i3 एक स्टैंडर्ड होता है i3, तो i3 के अंदर सबसे सस्ता सबसे अच्छा लैपटॉप ये ही है, असूस का वीवो बुक 15। इससे कोई सस्ता और इससे कोई अच्छा लैपटॉप नहीं मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, i3 प्रोसेस के अंदर सबसे सस्ता यही है मेरे दोस्तों। अब आती है बात, ये लैपटॉप भी हाँ, अगर आप जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में लैपटॉप देखा है, ये भी 22,000, ये भी का और ये भी 20,000, अगर आप कह रहे हो कि इनमें देखो एक एक टीबी हार्ड डिस्क है, इसमें भी एक टीबी है, इसमें भी एक टीबी है, इसमें भी एक टीबी है, आप कहते हो या मुझे स्टोरेज फास्ट चाहिए, मैं मुझे 1 टीबी की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे चाहिए कि जब भी मैं डेटा मेरा ट्रांसफर हो इधर से उधर तो मक्खन की तरह ट्रांसफर हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे 1 टीबी से मतलब नहीं है, तो आप SSD ले सकते हो। आजकल जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं मार्केट के अंदर सब SSD ही दे रहे हैं। SSD नया टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है आपका, तो आप SSD ले रहे हो तो सबसे अच्छा सबसे सस्ता लैपटॉप यही है मार्केट के अंदर आज की डेट में 2021 के अंदर अंदर। अब इसमें आप देख सकते हो 31,000 रुपये कुछ प्राइस लिखी थी, आपको 18 का ऑफ मिल रहा है और 10 का और ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिकमेंडेड, और मैं कौन सा लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ ये वाला एसोस का 1 प्लैटिनम गोल्ड, जो मेरी रिकमेंडेड जो मेरी नीड है उनको वो मीट करता है। ऑलरेडी मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप रखा है बट मुझे अभी एक और लैपटॉप की आवश्यकता है, तो मैं ये लैपटॉप लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस लैपटॉप को मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने हर चीज़ें देखी हैं, तो ये लैपटॉप मेरी सारी चीज़ों के अंदर फिट बेस्ट फिट होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।